हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपको पिंपल्स हो रहे हो, रिंकल्स हो रहे हो, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छा काम करेगा और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो हमें ईजिली हमारे घर में किचन में मिल जाएंगे, तो हमें बाहर से कुछ नहीं लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए राइस फ्लोर, हनी, एलोवेरा जेल, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं या फिर आप घर का बना हुआ भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए आलमंड ऑयल, जो कि प्योर आलमंड ऑयल है, हेयर में लगाने वाला नहीं लेना है। 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लेंगे और 2 टेबल स्पून राइस फ्लोर। जो राइस है वो स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है और हम इसमें 1 टेबल स्पून हनी मिक्स करेंगे। हनी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये इलास्टिसिटी देता है स्किन को। और 1/2 टेबल स्पून हम आलमंड ऑयल मिक्स करेंगे, इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सभी साइड में रख देंगे। अब हम आलू लेंगे और उसको हम धोकर उसको छिलके के साथ ही कद्दू क्रश कर लेंगे, क्योंकि हमको आलू का जूस चाहिए। तो आलू हमें मीडियम साइज़ का आलू चाहिए और ये स्किन ब्राइटनिंग के लिए और स्किन में अगर पिंपल्स हो गए हों, टैनिंग हो जाए, तो उन सब के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसको अच्छे से ग्रेट करने के बाद हम कॉटन क्लॉथ में इसको डालेंगे और इसका जूस निकालेंगे। आलू में कुछ एंजाइम होते हैं और इसमें पोटेशियम होता है, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और मॉइस्चर रखता है और इसमें B6 काफ़ी मात्रा में होता है और हमारे स्किन में B6 की कमी नहीं होती है। कैल्शियम होता है और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अच्छे से हम इसका जूस निकाल लेंगे। इसके जूस में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो ब्लीचिंग करता है और कलर को फेयर करता है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून पोटैटो जूस ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमें इसको पूरा मिक्स करना है। ये हमारा पेस्ट बनके रेडी हो गया है। हम कॉटन लेंगे और जो हमने पोटैटो जूस जो बचा हुआ था उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि स्टार्च है वो नीचे रह जाता। अब हम इसमें डिप करेंगे और अपने फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि ये जो पोटैटो जूस है वो हमारा क्लिंजर का काम कर रहा है और ये स्किन की टॉप लेयर को प्रोटेक्ट करेगा। हम पूरे फेस को, नेक को अच्छे से क्लीन करेंगे। यह नेचुरल क्लींजर है, यह डार्क स्पॉट, झुर्रियाँ और डार्क सर्कल हो जाते हैं उनको रिमूव करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद हमें फेस वॉश नहीं करना है। ये जो पैक बनाया है हमको अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करना है। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं यहाँ अपने हाथों से इसको अप्लाई कर रही हूँ। अपने पूरे फेस पर, नेक पर अच्छे से अप्लाई करना है। राइस फ्लावर में ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और डिटेन प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें विटामिन बी काफ़ी मात्रा में होता है और नए सेल्स होते हैं उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। एज स्पॉट्स नहीं होने देता है, अगर हो गए हों तो उनको लाइटन करता है, अगर डार्क सर्कल हो गए हैं तो उनको ख़त्म करता है। इसे हमें 30 मिनट तक लगा कर रखना है और नॉर्मल पानी से वॉश करना है। हमें हल्के हल्के हाथ से इसको पोंछना है। इसके बाद हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शाइनी लगेगी। तो ये थी आज की हमारी रेमेडी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।